स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू लेसन नंबर 4, एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, रिटन बाय पैट्रिक प्रिंगल फ्रॉम योर बुक स्नैपशॉट। लुक एट दिस पिक्चर। देयर आर 6 कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर। फर्स्ट वन इज एल्बर्ट आइंस्टाइन, मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर। सेकेंड इज हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन। इस चैप्टर दे विच की है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन है जो उन्हां दा इंटरस्ट है जो हिस्ट्री सब्जेक्ट दा या फिर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट दे विच नहीं हैगा, उन्हां दा इंटरस्ट है साइंस दे विच। ओके बेटा, ते इस चैप्टर दे विच कन्वर्सेशन दिखाई गई है एल्बर्ट आइंस्टाइन दी उन्हां दे हिस्ट्री टीचर दे नाल और मैथमेटिक्स टीचर दे नाल। ठीक है जी। थर्ड कैरेक्टर इज एल्बर्ट्स ओनली फ्रेंड यूरी। फोर्थ इज द डॉक्टर डॉक्टर अर्नस्ट वी। फिफ्थ कैरेक्टर इज मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर कोच। एंड सिक्स्थ कैरेक्टर एल्बर्ट्स कजन सिस्टर एल्सा। ठीक है बेटा, नाउ स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 टू 1955 इज रिकार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिस्ट सिंस न्यूटन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो वो न्यूटन दे टाइम तो ग्रेटेस्ट फिजिस्ट रहे ने, यानी कि उन्हां दा साइंस दे विच इंटरस्ट होण करके वो एक महान फिजिस्ट बने, यानी भौतिक विज्ञानी बने। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टाइन द वेल नोन बायोग्राफर पैट्रिक प्रिंगल डिस्क्राइब्स द सर्कमस्टांसिस विच लेड टू एल्बर्ट आइंस्टाइन्स एक्सपल्जन फ्रॉम अ जर्मन स्कूल। ये जो चैप्टर है तुहाडा पैट्रिक प्रिंगल ने यंग आइंस्टाइन तो लिया है, जिदे विच की है उन्हां सर्कमस्टांसिस नूं डिस्क्राइब किया है जिन्हां दे थ्रू एल्बर्ट आइंस्टाइन नूं स्कूल दे विचों जर्मन स्कूल दे विचों निकाल दिता गया सी, एक्सपेल कर दिता गया सी। स्टार्टिंग दे विच की है बेटा कि हिस्ट्री टीचर दी आइंस्टाइन दे नाल कन्वर्सेशन दिखाई गई है। इन व्हाट ईयर आइंस्टाइन आस्क द हिस्ट्री टीचर। हिस्ट्री टीचर पुछदे ने आइंस्टाइन नूं, डिड द पर्शियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। कहिंदे पर्शियंस ने फ्रेंच नूं वाटरलू दी वॉर दे विच कदों हराया सी, किहड़े ईयर च हराया सी। आई डोंट नो सर, आइंस्टाइन कहिंदे कि मैनूं नहीं पता सर। वाई डोंट यू नो, यू हैव बिन टोल्ड इट ऑफन इनफ। कहिंदे तुहानूं क्यों नहीं पता हैगा, तुहानूं हमेशा अक्सर तुहानूं इह क्लास दे विच दस्या जांदा है। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, आइंस्टाइन कहिंदे ने कि मैं सर भुल गया। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन की पुछते ने, कहिंदे कि तुसीं कदी ट्राई भी नहीं किया लर्न करन दा। नो सर, एल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। ठीक है, एल्बर्ट रिप्लाई करते ने ऑनेस्टली, बिना कुछ सोचे समझे, कहिंदे नहीं सर मैं कदी ट्राई नहीं किया लर्न करन दा। वाई नॉट, टीचर पुछते ने कि क्यों नहीं किया तुसीं लर्न। आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स। कहिंदे मैं कोई पॉइंट नहीं देखता इन्हां डेट्स नूं लर्न करन दे विच। वन कैन ऑलवेज लुक दैम अप इन अ बुक। कहिंदे कोई भी कभी भी बुक दे विचों इन्हां डेट्स नूं देख सकता है। मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलैस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। मिस्टर ब्राउन ने कुछ मोमेंट्स दे लई, कुछ पलों दे लई चुप हो जाते हैं। यू अमेज मी आइंस्टाइन, ही सैड एट लास्ट। टीचर ने की कहा कि आइंस्टाइन तू मैनूं हैरान करके रख दिता। डोंट यू रियलाइज दैन वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स। कहिंदा की तुसीं रियलाइज़ कर सकते हो कि कोई भी है बुक्स दे विचों हर एक चीज़ देख सकता है। दैट अपलाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल। कहिंदे ये फैक्ट्स ने जो अपलाई होंदे ने जो तुसीं स्कूल दे विच सिखदे हो। यस सर, दैन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। कहिंदा फिर तुसीं, टीचर कह रहे हैं कि फिर तो तुसीं ये मानते होंगे कि फैक्ट्स नूं लर्न करन दे विच मतलब कोई पॉइंट नहीं है कि तुसीं फैक्ट्स नूं लर्न कर सको। फ्रैंकली सर आई डोंट, सैड एल्बर्ट। एल्बर्ट कहिंदे कि सर मैं फ्रैंकली कह रहा कि नहीं, मैं ये चीज़ नूं नहीं देखता
कि कोई भी पॉइंट है जो उस चीज़ नू असी लर्निंग फैक्ट्स दे विच देखिए, दैन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। कहिंदे फिर तो तू एजुकेशन दे विच भी तुहाडा बिलीव नहीं होना। ओ यस सर आई डू, आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन। कहिंदा हाँ सर एक तो है, पर मैं एजुकेशन, मैं ये नहीं सोचता कि लर्निंग फैक्ट है जोड़ा वो एजुकेशन है। इन दैट केस सेट द हिस्ट्री टीचर विद हैवी सरकाल। फिर हिस्ट्री टीचर ने जोड़ा थोड़ा टॉन्टिंग वे दे विच बोलते हैं आइनसटाइन नू, परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टैल द क्लास द आइनसटाइन थियरी ऑफ एजुकेशन। कहिंदा फिर तो तुसी दस सकोगे पूरी क्लास नू कि थोड़ी एजुकेशन थियरी की है, तुसी दसो क्लास नू की थियरी है थोड़ी एजुकेशन दी। एल्बर्ट फ्लश्ड, एल्बर्ट हस्बैंड है। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज, ही सेड। आइनसटाइन की कहिंदे ने, कहिंदे सर मैं सोचदा ये फैक्ट्स नहीं हैगे जो चीज़ ने, बट आइडियाज़ होंदे ने इंसान दे, आइडियाज़ मैटर करदे ने। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स। कहिंदा मैं नहीं ये देखदा, इस पॉइंट नू मैं नहीं देखदा हैगा कि लर्न डेट्स नू लर्न करना जरूरी है। ठीक है, लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स कि कदों लड़ाई हुई है, किस ईयर दे विच हुई है, और ईवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन, ते केड़ी आर्मी ने सब तो ज़्यादा मैन मारे हैं। आई वुड बी मोर इंट्रस्टड इन लर्निंग वाई दो सोल्जर्स वू आर ट्राइंग टू किल ईच अदर। पर मैं सब तो ज़्यादा केड़ी गल च इंट्रस्ट लवागा, ये सीखने दे विच इंट्रस्ट लवागा कि वाई दो सोल्जर्स वर्क, कि इन्हों सोल्जर्स ने क्यों एक दूजे को मारन की कोशिश की है। इस चीज़ ये चीज़ मैटर करती है कि उन्होंने एक दूजे को क्यों मारिया, ये नहीं कि केड़ी आर्मी ने किन्ने मैन मारे ने। दैट सिन ऑफ मिस्टर ब्राउन आइज वर कोल्ड एंड क्रूअल। मिस्टर ब्राउन नू हुण गुस्सा आ रहा, वह आइनसटाइन नू कहिंदे आ, वी डोंट वॉन्ट अ लैक्चर फ्रॉम यू आइनसटाइन। कि आइनसटाइन सानू तुहाडे तो लैक्चर नहीं कोई चाहिदा, यू विल स्टे इन फॉर एन एक्सट्रा पीरियड टूडे। तुहानू स्कूल दे विच एक पीरियड एक्सट्रा रहना पएगा। ऑल दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड। कहिंदा पर मैं ये नहीं कह सकता, तैनू ये नहीं इमेजिन कर सकता कि इत्थे रहना, स्कूल दे विच रहना एक्सट्रा पीरियड थोड़े लिए अच्छा होगा या नहीं अच्छा होगा। आई वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड ईदर। और थोड़ा इत्थे रहना स्कूल लिए अच्छा होगा या नहीं होगा। यू आर अ डिसग्रेस, तू एक कलंक है। आइनसटाइन नू बोल रहे ने उन्होंने टीचर, हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम। ठीक है, कहिंदे मैनू नहीं है पता कि तू स्कूल दे विच कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं, क्यों आना तू स्कूल, जब लर्निंग है ही नहीं थोड़ी, तो स्कूल की करन आने। इट्स नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटड आउट। एल्बर्ट की कहिंदे आ, कहिंदे मेरी विश नहीं हैगी सर स्कूल आना। दैन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ऑक टू बी अशेम्ड ऑफ यूर सैल्फ। की कह रहे हैं टीचर, कहिंदा फिर तो तू बहुत ही अनग्रेटफुल बॉय है, तैनु अपने आप ते शर्म आनी चाहिए है। आई सजैसट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। मैं ही सलाह देवांगा कि तुसी अपने फादर नू पुछो थानू स्कूल तो लै जान। एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल वैन ही लैफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून। एल्बर्ट है जो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है जदों आफ्टरनून स्कूल तो जा रहा हुंदा। नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे। इसलिए नहीं सैड हुंदा कि उहदे लई इह बुरा दिन सी, मोस्ट डेज वर बैड नाओ एनीवे, बहुत दिन ने जिहड़े उहदे लई बैड हुंदे ने। बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नैक्सट मॉर्निंग। इसलिए वह उदास सी कि उहनू वापस उस हेटफुल प्लेस ते आना पैना, यानी कि नैक्सट डे उहनू स्कूल दे विच फिर वापस आना पैना। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे। ठीक है, वह भी चाहते ने कि उन्होंने फादर ने उन्होंने स्कूल तो दूर लै जान। बट देयर वॉज नो पॉइंट इन ईवन आसकिंग। पर एल्बर्ट आइनसटाइन दे विच इन्नी हिम्मत नहीं है कि वह अपने फादर तो पूछ सकन। ही न्यू वट द आंसर वुड बी, क्योंकि उन्होंने पता है कि उन्होंने फादर का आंसर की होएगा। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा। उन्हां नू उन्नी देर ही उत्थे रहना पएगा जिन्ना टाइम उन्हां दा डिप्लोमा है जो कवर नहीं हो सकता। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स डिड नॉट चेयर हिम अप। फिर वो वापस जदों अपने घर पहुँच जाते हैं, लॉजिंग मीनस लिविंग प्लेस से जदों पहुँच जाते हैं,
एल्बर्ट आइंस्टाइन फिर भी वो खुश नहीं सी। हिज फादर हैड सो लिटल मनी टू स्पेयर दैट एल्बर्ट हैड बीन फाउंड अ रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिच। उन्हां दे फादर कोल इन्नी मनी नहीं है कि एल्बर्ट दे लई एक अच्छा रूम अरेंज कर सकन। उन्होंने एल्बर्ट दे लई म्यूनिच दे विच एक पुअरेस्ट क्वार्टर है जो अरेंज किया होया। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कंफर्ट। एल्बर्ट कोई उन्हें माइंड नहीं है कि अच्छा खाना नहीं मिल रहा या कंफर्ट नहीं है। और ईवन द डर्ट एंड स्क्वेलर स्क्वेलर सेम स्क्वेलर का सेम मीनिंग है डर्ट, ठीक है जी, गंदगी बोल देंगे केंद्र उतों की गंदगी। बट ही हेटेड द एटमोसफियर ऑफ स्लम वायलेंस, मतलब उतों का जो एटमोसफियर है स्लम वायलेंस वाला उसनों हेट करते हैं, नफरत करते हैं। हिज लैंडलेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगूलरली, उन्हों की जो मकान मालिक है रेगूलरली बच्चों मारती है। एंड एवरी सैटरडे हर हसबेंड केम ड्रंक एंड बीट हर, हरेक सैटरडे वह हसबेंड जो आता है, ठीक है, ड्रिंक की होंगी है तो उन्होंने मारता है। बट एटलीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन विच इज़ मोर दैन आई कैन से, सैड यूरी वैन ही कॉल्ड राउंड इन द ईवनिंग। फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन है जो अपने फ्रेंड यूरी नू मिलते हैं ईवनिंग, और यूरी की कह रहा है बट एटलीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन, पर कम से कम तेरे को अपना तेरा रूम तो है। विच इज़ मोर दैन आई कैन से, इस तो ज़्यादा कहता की कह सकते हैं आप। एटलीस्ट यू हैव यू लिव अमंग सिविलाइज ह्यूमन बींग्स ईवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, सैड एल्बर्ट। और एल्बर्ट की कह रहे ने, कहते पर जिथे तू रह रहे हैं, यूरी नू कह रहे ने कि जिथे तू रह रहे हैं कम से कम उत्थे सिविलाइज ह्यूमन बींग तो है ने, ईवन दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, बेशक वह पुअर ने सारे। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड। यूरी की कहता कि सारे सिविलाइज तो नहीं है। डिड यू नॉट हीयर दैट वन ऑफ दैम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूल। कहिंदा कि तू ये गल नहीं सुनी हैगी कि लास्ट वीक लड़ाई दे विच एक जना मारिया गया सी। एंड दैन एंड वट हैपन्स टू द वन हू किल्ड हिम, पता उस परसन नू की होया, हु किल्ड हिम, जिन्हें उन्हू मारिया है। नथिंग ऑफ कोर्स, कहिंदा उन्हू किसी ने कुछ भी नहीं किया जिन्हें एक परसन नू मारिया। ही इज ईवन प्राउड ऑफ इट, कहिंदा उन्हू ईवन अपने आप ते प्राउड सी कि हाँ मैं लड़ाई की है उसनू मारिया लड़ाई दे विच। हिज ओनली वरी इज़ दैट द अथॉरिटीज़ हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल्स, और अथॉरिटीज़ ने सिर्फ उन्हू यही गल कही है कि तू दोबारा लड़ाई नहीं करनी, नेक्स्ट टाइम तो अगे तो लड़ाई नहीं करनी। ही इज़ अपसेट अबाउट दिस बिकॉज ही हैज़ नॉट अ सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू वीयर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ बैज ऑफ ऑनर। और वो परसन इसलिए अपसेट सी क्योंकि वो फेस पर एक भी निशान नहीं सी, जख्म का निशान नहीं सी, ताकि अपनी अगली लाइफ उन्हों उस निशान उस जख्म नू देख के बैज ऑफ ऑनर कह सके कि हाँ मैं अपनी लाइफ के विच ये काम किया सी, एक परसन नू मारिया सी, कोई भी निशान उदे फेस ते नहीं सी। ओ एक्सक्लेम्ड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा एंड दीज आर ऑल स्टूडेंट, कहना हाँ ये सारे स्टूडेंट्स ने। वैल यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, सैड यूरी। यूरी ने कहा कि हाँ एक दिन तू भी एक स्टूडेंट बनेगा। आई डाउट इट, सैड एल्बर्ट ग्लमली। ग्लमली मीन्स सैडली। एल्बर्ट की कह रहा, कहना मैं डाउट है थोड़ा जहा, आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा। कहना मैं ये सोच नहीं सकता कि मैं एग्जाम ने जड़े डिप्लोमा स्कूल डिप्लोमा के जो एग्जाम ने उन्होंने पास कर लवाँगा। ही टोल्ड हिज कजन एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिच। और यही गल सी एल्बर्ट ने अपनी कजन एल्सा नू कही, ठीक है, जदों वो म्यूनिच दे विच आई सी। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन। नॉर्मली कित्थे रहिंदी सी एल्सा, बर्लिन दे विच रहिंदी सी, वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस, जिथे उहदे फादर दा बिजनेस सी। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम्स एल्बर्ट इफ यू ट्राइड, शी सैड। एल्सा ने की कहा, कहिंदी मैं श्योर हाँ एल्बर्ट जे तू लर्न करें, ठीक है, एग्जाम पास करन दे ले, जे तू कोशिश करें तो पास हो सकता है।
आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर, वी गेट हु गेट थ्रू। एल्सा कह रही है, कहिंदी मैं बहुत सारे लड़कियां नूं जानदी हाँ जिहड़े तेरे तो भी ज़्यादा स्टूपिड ने, बट वह भी एग्जाम ने जो क्लीयर कर गए ने। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड वट यू आर टॉट, जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जाम्स। और की कहिंदे ने वो बच्चे, कहिंदा कुछ भी जानने की लोड़ नहीं है, जिहड़े बच्चे पास कर चुके ने उन्हां दी गल कर रही है एल्सा, कि वो ये नहीं कहिंदे डोंट हैव टू नो एनीथिंग, ठीक है, कुछ जानने की लोड़ नहीं है, कुछ समझन की लोड़ नहीं है, वट यू आर टॉट, ठीक है, जो तुसीं पढ़ते हो उन्हों समझन की भी जरूरत नहीं है, जस्ट टू बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जाम, सिर्फ उन्हों रिपीट करो अपने एग्जाम दे विच, इन्ना तुसीं योग होवो। दैट्स द होल ट्रबल, सैड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने कहा यही तो सारी प्रॉब्लम है, आई एम नॉट गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हर्ट, ठीक है, कहिंदे मैं इन्ना अच्छा नहीं हाँ कि थिंग्स नूं बाय हार्ट लर्न कर सकां। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, कहिंदे तैनूं कोई जरूरत नहीं है इन्हां चीज़ां दे विच गुड होण दी, एनी वन कैन लर्न लाइक अ पैरट, कोई भी कहिंदे पैरट दी तरह कुछ भी लर्न कर सकदा, यू जस्ट डोंट ट्राई, तू सिर्फ ट्राई नहीं कर रहा। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद द बुक अंडर यूअर आर्म, एडेड एल्सा, ठीक है, एल्सा की कह रही है कि हमेशा तेरी आम दे नीचे एक बुक हुंदी है। वट इज़ द वन यू आर रीडिंग, केड़ी बुक है जिहड़ी तू रीड करदा। अ बुक ऑफ जुअलॉजी, केड़ी बुक, अ बुक ऑफ जुअलॉजी यानी साइंस की बुक है जो वो लर्न हमेशा रीड करदा। जुअलॉजी रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट, कि तू ये लर्न करदा? नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, कहिंदा नहीं साडे स्कूल दे विच साइंस नहीं पढ़ाई जाती। दैन वाई आर यू स्टडिंग इट, एल्सा कह रही है फिर तू यदी स्टडी क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आई लाइक इट, इज़ नॉट दैट अ गुड इनफ रीज़न, कहना क्योंकि मैं ये पसंद करदा, मेरा साइंस दे विच बहुत इंटरेस्ट है, कि यही रीज़न एक अच्छा नहीं हो सकता? एल्सा साई, साई मीन सिसकी लेना, होंका लेना। यू आर राइट ऑफकोर्स एल्बर्ट, शी सैड। एल्सा ने की किया, कहनी हाँ ठीक है बिल्कुल, बट इट वॉन्ट हैल्प यू विद यूअर डिप्लोमा, पर कहिंदी इन्हें तेरी डिप्लोमा दे विच तो कोई हेल्प नहीं करनी। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कंफर्ट वाज म्यूजिक, ठीक है, और एल्बर्ट दा इंटरस्ट दस रहे ने कि साइंस दे विच इंटरस्ट होने दे नाल नाल उन्हां दा इंटरस्ट सी जो म्यूजिक दे विच सी, उन्हां नूं म्यूजिक तो बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिलती सी। एंड ही प्लेड हिज वायलन रेगूलरली अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप, और वो उन्नी देर ही वायलन बजाते सी जिन्ना टाइम उन्हां दी मकान मालिक सी जो उन्हां नूं रुकन दे लई नहीं कहिंदी सी। दैट विलिंग गैट्स ऑन माई नर्वस, शी सैड, और लैंडलेडी की कह रही है कि जे वो आवाज़ां ने, वायलन दीआं आवाज़ां ने मैनूं बहुत नर्वस कर रही ने। देयर इज़ इनफ नॉइज़ इन दिस हाउस, इस घर दे विच पहलां ही बहुत ज़्यादा शोर है, विद ऑल द किड्स हॉलिंग, बच्चे ने जो सारा दिन चिल्लांदे ने। एल्बर्ट वॉज टैम्पटेड टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज शी हु मेड दैम हॉल, बट ही डिसाइडेड इट वॉज बैटर टू से नथिंग। एल्बर्ट है जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटड है, ठीक है, कि हर टाइम है जो उन्हों शोर शराबा सुनना पैंदा, इसलिए वो वायलिन का यूज़ करता सी क्योंकि उन्हों आवाज़ा ने जो ज़्यादा बर्दाश्त करनिया पैंदिया सी, पर उन्हें की डिसाइड किया कि वह कुछ नहीं कहेगा। आई मस्ट गैट अवे फ्रॉम हेयर, ही टोल्ड यूरी आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिच। म्यूनिच के 6 months इकले रहने तो बाद उन्होंने यूरी नू की कहा, मैनू हुण इत्थों जाना चाहिए है, इट इज़ एबजर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, कहिंदा ये बहुत बुरा होगा जे मैं इस तरह चलता रहा लाइफ के। इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बिन वेस्टिंग माई फादरस मनी, ये एंड होएगा कि मेरे फादर की मनी है जो मैं वो वेस्ट कर दाँगा, एंड एवरी वनस टाइम, तो सारिया का टाइम। इट विल बी बैटर फॉर ऑल इफ आई स्टॉप नाउ, ये अच्छा होगा कि मैं हूँ इस चीज़ को रोक देवा। एंड दैन वट विल यू डू, यूरी आस्ट, फिर यूरी ने पूछा तो फिर तू की करेंगा? आई डोंट नो, एल्बर्ट कह रहा, कहिंदा मैनू नहीं पता मैं की कराँगा। इफ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक, कहिंदा जे मैं अपने फादर को मिलान चलिया गया तो मेरे फादर ने उन्होंने मैनू वापस इतें ही भेज देना।
अनलैस हजे एल्बर्ट ने जो गल कर ही रहे सी, हिज आइज ग्लीम्ड विद द सडन आइडिया, उन्होंने एक सडन आइडिया आया, ग्लीम मीन शाइन किया उन्होंने आइज ने। यूरी डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स, की पूछते ने वो एल्बर्ट कि यूरी तेरा कोई फ्रेंडली डॉक्टर है, और यूरी कह रहे ने फिर आई नो अ लॉट ऑफ मैडिकल स्टूडेंट्स, कहिंदा मैं बहुत सारे मैडिकल स्टूडेंट्स नूं जानदा, एंड सम ऑफ दैम आर फ्रेंडली, उन्हां चों कुछ ने जो मेरे फ्रेंडली ने। डॉक्टर नो आई एम नैवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन, वाई, कहिंदा डॉक्टर नहीं है पर कोई मेरे को इन्ने पैसे भी नहीं है कि मैं जा सकां, क्यों, कहिंदा की गल है, क्यों डॉक्टर नूं मिलना है। सुपोज सैड एल्बर्ट, एल्बर्ट की कहिंदे आ, मान लो दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए, यानी नर्वस सिस्टम है जिहड़ा वह अपसैट हो जाए। सपोज अ डॉक्टर वुड से इट्स बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल, मान लो डॉक्टर कह दे कि इस बच्चे लिए एल्बर्ट दे लिए स्कूल जाना बहुत बुरा है, एंड आई नीड टू गैट राइट अवे फ्रॉम इट, तो मेरा ये जो छुटकारा स्कूल तो हो सकता है। आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी। यूरी ने फिर की कहा, कहिंदा मैं सोच नहीं सकता, मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि डॉक्टर कोई इदा कह देगा कि हाँ इस बच्चे नूं नर्वस ब्रेकडाउन है, इहनूं स्कूल तो हुण ही लै जाओ, ये स्कूल नहीं रहना चाहिए। आई मस्ट ट्राई, सैड एल्बर्ट, टू फाइंड अ डॉक्टर हू स्पेशलाइज इन नर्व्स। एल्बर्ट ने कहा, कहिंदा मैं कोशिश कराँगा, कहिंदा किसी डॉक्टर नूं लभो, ठीक है, फाइंड करो जो इस नर्वस सिस्टम दे विच स्पेशलिस्ट होवे। देयर आर प्लेंटी ऑफ दैम, यूरी टोल्ड हिम। यूरी कहिंदा कि बहुत सारे ने। ही हैजिटेटेड फॉर अ मोमेंट एंड दैन एडिड रैदर रिलकटेंटली, ठीक है, थोड़ा हैजिटेशन फील करता, दैन फिर वो की कहिंदा, आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ दे नो वन, इफ यू लाइक, कहिंदा जे तू चाहे तो मैं स्टूडेंट्स नूं पूछ लाँगा अगर वो किसी डॉक्टर नूं जानते हैं। विल यू, ओ थैंक यू यूरी, एल्बर्ट्स आइज वर शाइनिंग, एल्बर्ट दी आइज शाइन कर दियां ने, कहिंदा हाँ ठीक है तू लभेगा, कहिंदा मेरे लिए डॉक्टर, थैंक यू सो मच, ठीक है, यूरी दा थैंक करता है एल्बर्ट। वेट अ मोमेंट आई हैव नॉट फाउंड वन येट, कहिंदा कुछ पल वेट करो हजे डॉक्टर मिलिया नहीं है। ओ बट यू विल, कहिंदा पर तू लभ लेंगा कोई ना कोई डॉक्टर, एंड इफ यू डू आई डोंट नो इफ ही विल बी विलिंग टू हैल्प यू, कहिंदा हाँ अगर कोई मिल भी क्या मैं ये नहीं जानता कि वो डॉक्टर है जो तेरी हेल्प करेगा, वो विलिंग होएगा हेल्प दे ले। ही विल डिक्लेयर्ड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा कि वो जरूर करूँगा मेरी हेल्प। आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन, कहना क्योंकि मैंने सचमुच नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है। टू मेक इट ईजियर फॉर हिम, मेरे लिए बहुत आसान है इस चीज़ नू करना, यानी कि वो एक्टिंग करेगा नर्वस ब्रेकडाउन दी। ही लाफ्ड मैरली, ठीक है, और वो हंस पैंदा। आई हैव नैवर सीन यू लुकिंग लैस नर्वस, रिमार्कड यूरी, ठीक है। यूरी फिर की कहिंदा, कहिंदा मैं तैनू कभी इदा देखा नहीं हैगा भी लैस नर्वस होवें, तू हमेशा नर्वस ही रहना तू। अ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, एल्बर्ट एश्योर्ड हिम। एल्बर्ट की कहिंदा जे एक या दो दिन स्कूल दे विच होर भी रुक गया तो मैनू जरूर नर्वस ब्रेकडाउन हो जाना। सर्टेनली ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट्स वैन यूरी सा हिम नैक्सट, ठीक है। यूरी जदों यूरी ने एल्बर्ट नू जदों दोबारा देखा तो अपनिया हाई स्पिरिट्स जी जो लॉस्ट कर बैठा से, यानी उन्होंने इदा सी कि हाँ यूरी भी कोई डॉक्टर नहीं लेके आऊगा जो मेरी हेल्प कर सके। आई कांट स्टैंड इट एनी लोंगर, ही सेड, आई रियली शैल हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन दैट विल सैटिस्फाई एनी डॉक्टर। और एल्बर्ट की कह रहे हैं, कहना मैं इतने ज़्यादा नहीं रुक सकता, आई रियली शैल हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन, मैंने सचमुच ही नर्वस ब्रेकडाउन हो जाना है। दैट विल सैटिस्फाई एनी डॉक्टर, और कोई भी डॉक्टर है जो सैटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ इस बच्चे नू नर्वस ब्रेकडाउन है। कीप इट अप दैन, सैड यूरी, आई फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू। फिर यूरी की कहता, कहता ठीक है आप चलते हाँ कोई डॉक्टर सर्च करके आने। यू हैव एल्बर्ट्स फेस लिट अप, एल्बर्ट का फेस है जो फिर लिट अप मीन शाइन करन लग जाता है, ठीक है। कहता तू यूरी मेरे लिए डॉक्टर लभेगा, ओ गुड, वैन कैन आई सी हिम, कहिंदा कदों देख सकते हैं असं उस डॉक्टर नूं कदों मिल सकते हैं। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमोरो ईवनिंग, यूरी सैड, ही हियर इज़ द एड्रेस, ठीक है। यूरी है जो की कह रहा, कहिंदा मैं कल
ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ। ਹੀ ਹੈਂਡਡ ਐਲਬਰਟ ਅ ਪੀਸ ਆਫ ਪੇਪਰ, ਐਲਬਰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਅਨਸਟਵੀਲ, ਇਜ਼ ਹੀ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਇਨ ਨਰਵਸ ਟ੍ਰਬਲਸ, ਆਸਕਡ ਐਲਬਰਟ। ਐਲਬਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਨਸਟਵੀਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਨਰਵਸ ਟ੍ਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ। ਨੋਟ ਐਗਜੈਕਟਲੀ, ਯੂਰੀ ਐਡਮਿਟਡ। ਯੂਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟ, ਹੀ ਓਨਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਲਾਸਟ ਵੀਕ, ਕਿ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਹੀ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜੋ ਲਈ ਹੈ। ਯੂ ਮੇ ਈਵਨ ਬੀ ਹਿਜ਼ ਫਸਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਮੇ ਬੀ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਯੂ ਨਿਊ ਹਿਮ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੈਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਆਨਸ ਫੋਰ ਈਅਰਸ, ਯੂਰੀ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟਿਡ ਫੋਰ ਅ ਫਿਊ ਮੋਮੈਂਟਸ। ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਫੂਲ, ਹੀ ਵਾਰਨਡ ਐਲਬਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਰੀ ਨੇ ਐਲਬਰਟ ਨੂੰ ਵਾਰਨਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਈ ਹੈਵ ਨੋਨ ਅਰਨਸਟ ਫੋਰ ਈਅਰਸ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਯੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਫੂਲ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਵੱਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਐਲਬਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ। ਡੋਂਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਪੁੱਲ ਦਾ ਵੂਲ ਓਵਰ ਹਿਜ਼ ਆਈਜ਼, ਯਾਨੀ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਰਨਸਟਵੀਲ ਨੂੰ ਐਲਬਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯੂਰੀ ਕਿ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ। ਦੈਟਸ ਆਲ, ਬਸ ਇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬੀ ਫਰੈਂਕ ਵਿਦ ਹਿਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਕ ਰਹੀ, ਬਟ ਡੋਂਟ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਗੋਟ ਵਟ ਯੂ ਹੈਵ ਨੋਟ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਟੈਂਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੀ। ਨੋਟ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਡਿਸੀਵਡ ਐਨੀ ਵਨ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯੂਰੀ ਐਡ, ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਵਰਲਡਸ ਵਰਸਟ ਲਾਇਰ, ਔਰ ਯੂਰੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲਾਇਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਐਲਬਰਟ ਸਪੈਂਡ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਵੰਡਰਿੰਗ ਵਟ ਟੂ ਟੈਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਐਲਬਰਟ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਵੈਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਰਾਈਵਡ ਫੋਰ ਹਿਜ਼ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ। ਹੀ ਹੈਡ ਵਰਿਡ ਓਵਰ ਇਟ ਸੋ ਮੱਚ ਦੈਨ ਹੀ ਰੀਅਲੀ ਵਾਸ ਕੁਆਇਟ ਨਰਵਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਿਡ ਸੀਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਰਵਸ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਰੀਅਲੀ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਟ੍ਰਬਲ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਲ ਹੀ ਬਿਗਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਲਬਰਟ ਆਈਨਸਟੀਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਰੀਅਲੀ ਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਬਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਡੋਂਟ ਟ੍ਰਾਈ, ਸੈਡ ਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਯੰਗ ਡਾਕਟਰ ਵਿਦ ਅ ਫਰੈਂਡਲੀ ਸਮਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਯੂਰੀ ਹੈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਵਨ ਮੀ ਅ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦਾ ਕੇਸ, ਯੂਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਓ ਵਟ ਡਿਡ ਹੀ ਸੇ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਯੂਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਓਨਲੀ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਮੀ ਟੂ ਥਿੰਕ ਯੂ ਹੈਵ ਹੈਡ ਅ ਨਰਵਸ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਐਂਡ ਸੇ ਦੈਟ ਯੂ ਮਸਟ ਨੋਟ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦੈਟ ਸਕੂਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਵਸ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੇ ਦੈਟ, ਅਤੇ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਓ ਡੀਅਰ, ਐਲਬਰਟ ਫੇਸ ਫੈਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਐਲਬਰਟ ਹੈ ਫੇਸ ਫੈਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੂਜ਼ ਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋਟ ਹੈਵ ਟੋਲਡ ਯੂ ਦੈਟ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਾਈ ਨੋਟ, ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਟ ਟਰੂ ਦੈਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ। ਯੈਸ ਦੈਟਸ ਦਾ ਟ੍ਰਬਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਟ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਨਾਓ ਯੂ ਵਿਲ ਸੇ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਮੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਟੈਲ ਮੀ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ। ਐਲਬਰਟ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸਕੂਲ ਜਾਓਗੇ। ਡੋਂਟ ਬੀ ਟੂ ਸ਼ੋਰ ਆਫ ਦੈਟ, ਸੈਡ ਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਅ ਨਰਵਸ ਸਟੇਟ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਸਕੂਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਰਵਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ। ਬਟ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋਟ ਟੋਲਡ ਯੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਐਲਬਰਟ ਸੈਡ ਵਾਈਡ ਆਈਡ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ,
ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਵੁੱਡ ਨੋਟ ਹੈਵ ਕਮ ਟੂ ਸੀ ਮੀ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਇਫ ਯੂ ਹੈਡ ਨੋਟ ਬੀਨ ਪ੍ਰੈਟੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਅ ਨਰਵਸ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਰਵਸ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਟੀ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਵਸ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਨਾਓ ਸੈਡ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬ੍ਰਿਸਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਫ ਆਈ ਸਰਟੀਫਾਈ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਹੈਡ ਅ ਨਰਵਸ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਵਸ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੈ ਐਂਡ ਮਸਟ ਸਟੇ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਸਕੂਲ ਫੋਰ ਅ ਵਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਮਸਟ ਸਟੇ ਅਵੇ, ਸਟੇ ਅਵੇ ਮੀਨਸ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ। ਵਟ ਵਿਲ ਯੂ ਡੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਇਟਲੀ, ਸੈਡ ਐਲਬਰਟ। ਐਲਬਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਟੂ ਮਿਲਾਨ, ਮਿਲਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਟਲੀ ਦੀ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੇਅਰ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਵਟ ਵਿਲ ਯੂ ਡੂ ਦੇਅਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨ ਟੂ ਐਨ ਇਟੈਲੀਅਨ ਕੋਲਜ ਔਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲਜ ਔਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਵਿਦਆਊਟ ਅ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਐਲਬਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਆਈ ਵਿਲ ਆਸਕ ਮਾਈ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਟੀਚਰਸ ਟੂ ਗਿਵ ਮੀ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਵਰਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ, ਜੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ, ਐਂਡ ਪਰਹੈਪਸ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨਫ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਟਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਈ ਹੈਵ ਲਰਨਡ ਆਲ ਦਾ ਮੈਥਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਭ ਕੁਛ ਲਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਥਸ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਐਂਡ ਅ ਬਿਟ ਮੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀ ਐਡਿਡ ਵੈਨ ਡਾਕਟਰ ਵਿਲ ਲੁਕਡ ਡਾਊਟਫੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਊਟਫੁਲੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਵੈਲ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ, ਹੀ ਸੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਆਈ ਡਾਊਟ ਇਫ ਇਟ ਵਿਲ ਕਮ ਆਫ, ਬਟ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਡੂਇੰਗ ਯੂਅਰ ਸੈਲਫ ਔਰ ਐਨੀਵਨ ਐਲਸ ਮੱਚ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਸਟੇਇੰਗ ਹੇਅਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਵੁੱਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਮੀ ਟੂ ਸੇ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟੇ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਸਕੂਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ? ਵੁੱਡ 6 months ਵੀ ਆਲ ਰਾਈਟ, ਕਿ 6 months ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਨੇ? ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਯੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਲਬਰਟ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਟਸ ਨਥਿੰਗ, ਆਈ ਹੈਵ ਓਨਲੀ ਜਸਟ ਸਟੋਪਡ ਬੀਂਗ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਾਈਸੈਲਫ, ਸੋ ਆਈ ਨੋ ਹਾਊ ਯੂ ਫੀਲ, ਹੇਅਰ ਯੂ ਆਰ। ਡਾਕਟਰ ਵੀਲ ਹੈਂਡਡ ਹਿਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਂਡ ਦਾ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਈ ਹੈਵ ਓਨਲੀ ਜਸਟ ਸਟੋਪਡ ਬੀਂਗ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਾਈਸੈਲਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਟੋਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੀਂਗ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸੋ ਆਈ ਨੋ ਹਾਊ ਯੂ ਫੀਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੇਅਰ ਯੂ ਆਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀਲ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਊ ਮੱਚ? ਨਥਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਐਲਬਰਟ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਲਈ, ਨਥਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀਥਿੰਗ ਟੂ ਸਪੇਅਰ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਫਾਲਤੂ ਪੈਸੇ, ਇਨਵਾਈਟ ਯੂਰੀ ਟੂ ਅ ਮੀਲ, ਤਾਂ ਯੂਰੀ ਨੂੰ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਮਾਈਨ ਐਂਡ ਯੂਅਰਸ ਟੂ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ। ਐਲਬਰਟ ਹੈਡ ਨੋ ਮਨੀ ਟੂ ਸਪੇਅਰ, ਐਲਬਰਟ ਕੋਲ ਫਾਲਤੂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਹੀ ਪਰਟੈਂਡਡ ਹੀ ਹੈਡ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਟੁੱਕ ਯੂਰੀ ਆਊਟ ਟੂ ਸਪਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਰੀ ਨੂੰ ਸਪਰ ਮੀਨਸ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਉਹ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਟ ਵੰਡਰਫੁਲ, ਹੀ ਸੈਡ ਆਫਟਰ ਸ਼ੋਇੰਗ ਯੂਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਐਲਬਰਟ ਨੇ ਯੂਰੀ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਤਾ। ਯੈਸ ਇਟਸ ਫਾਈਨ, ਯੂਰੀ ਐਗਰੀਡ, 6 months ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਪੀਰੀਅਡ, ਯੂਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, 6 months ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦਿਸ ਵੇ ਯੂ ਵੋਂਟ ਐਕਚੁਲੀ ਬੀ ਲਿਵਿੰਗ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਪਾਏਂਗਾ,
सो इफ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट यू विल बी एबल टू कम बैक। ठीक है, मतलब तू वापस फिर इत्थे आ सकदा है, तेरे लिए इन्ना ज़्यादा बुरा नहीं होगा, तेनू सिर्फ 6 months के लिए रिलीव किया गया। एंड कैरी ऑन फॉर योर डिप्लोमा, तो तू दोबारा फिर आके इत्थे अपना डिप्लोमा कैरी ऑन कर सकदा है। आई विल नैवर गो बैक टू दैट प्लेस, एल्बर्ट एश्योर्ड हिम। एल्बर्ट ने की कहा कि मैं वापस इस प्लेस से नहीं आवागा। आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हैड टीचर टूमोरो, मैं कल ये सर्टिफिकेट हैड टीचर को लेके जावांगा। एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट, तो पूरी तरह मतलब इस मामले का एंड करके आवांगा। डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर्स फर्स्ट, यूरी रिमाइंडेड हिम। यूरी यानी एल्बर्ट दे फ्रेंड ने की रिमाइंड करवाया कि तू अपने मैथमेटिक्स टीचर्स तो रेफरेंस है जो वो जरूर लिखवा के ले आई। मिस्टर कोच विलिंगली गेव एल्बर्ट द रेफरेंस ही वॉन्टेड। मिस्टर कोच ने जो उन्होंने कोई हिचकिचाहट फील नहीं की, ठीक है, उन्होंने उन्होंने रेफरेंस लिख के देने लिए मन गए। वह इफ आई से आई कान टीच यू एनी मोर, और मिस्टर कोच की कह रहे ने आई कान टीच यू एनी मोर, मैं तेनों होर नहीं पढ़ा सकता, एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी। कहना की तू अगर एबल हो जाए तो तू मैनू आके पढ़ा देंगा, विल दैट बी ऑल राइट, की ये सही होगा। दैट सेइंग टू मच सर, सैड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने क्या कहना, सर बहुत ज़्यादा कुछ कह गए तुसी, इट्स ओनली द ट्रुथ बट ऑल राइट। कहने हाँ ये सच है, सही है, आई विल पुट इट मोर सीरीयसली, मैं इस चीज़ नू सीरीयस लवांगा, यानी मैं मैथ्स जो कंटिन्यू करांगा। इट वॉज स्टिल अ ग्लोइंग रेफरेंस, एंड मिस्टर कोच यानी मिस्टर कोच वालों अच्छा रेफरेंस दिता गया। एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट दैट एल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएटली टू एंटर अ कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स, और उन्होंने ऐसा रेफरेंस दिता कि जो एल्बर्ट सीगा किसी भी अच्छे कॉलेज या इंस्टीट्यूट दे विच जाके हायर मैथमेटिक्स की स्टडी कर सकता सी। आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस, कहना मैनू बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा कि तू इतों छड़ के जा रहा है। ऑल दो यू आर वेस्टिंग यूर टाइम इन माई क्लास ही सैड, यानी मिस्टर कोच ने कहा, मैथमैटिक्स टीचर ने कहा कि पहला ही तू बहुत ज़्यादा टाइम क्लास के वेस्ट कर चुके हैं। इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, सैड एल्बर्ट। एल्बर्ट कहता सर ये कल क्लास ही नहीं है जिथे मैं टाइम वेस्ट कर चुके हैं। बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग सर, पर कहना थोनू किवें पता चलिया कि मैं इतों जा रहा स्कूल छड़ के। यू वुड नॉट हैव आस्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज, आई थॉट यू हैड वंडर, कहना तुसी मैनू लगता तुसी मैनू हैरान करता। देयर इज़ नथिंग टू वंडर अबाउट आइनस्टाइन, आई न्यू यू आर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सैल्फ। कहना आइनस्टाइन मैनू तो पहला ही पता सीगा कि ये कोई हैरानी वाली गल नहीं है कि तू इतों चले जाना है। ठीक है, मैं पहला ही सोच रहा कि इस बच्चे ने इतों चले जाना, तेरे सोचने तो भी पहला ही। एल्बर्ट वॉज पजल्ड, वट डिड द टीचर मीन, कहना टीचर का यह कहने का की मतलब है, वह कन्फ्यूज हो जाता एल्बर्ट। ही सून फाउंड आउट, ठीक है, उन्होंने पता चल जाता बिकॉज ही हैड अ चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हैड टीचर, ही वॉज समन टू द हैड रूम। ठीक है, उन्होंने कोई पूछने का मौका ही नहीं मिलता कि उन्हें हैड टीचर ना गल करनी है, हैड टीचर खुद ही उसको अपने रूम के बुला लेंगे ने। Well, it saves me the trouble of having to wait an hour or two outside, he thought. Albert सोचता कि चल वधिया होया मेरा टाइम बच गया, नहीं तो मैंने एक दो घंटे बाहर वेट करनी पैनी सी। उस तो पहले ही हैड टीचर ने उन्हें अपने ऑफिस दे विच रूम दे विच बुला लिया। He hardly bothered to wonder why he had been sent for, but vaguely supposed he was to be punished again for bad work or laziness. ठीक है, उसनु स्कूल दे विचों निकाल दिता गया। ठीक है, ही हैड बीन सेंट फॉर, उन्होंने कह दिता गया कि स्कूल दे विचों जाना। ठीक है, और उदी बैड वर्क और लेजीनेस दे करके उन्होंने पनिशमेंट मिलनी सी। वैल ही हैड फिनिश्ड हिज पनिशमेंट्स, उन्हें अपनी पहलियाँ पनिशमेंट सी जड़िया वो फिनिश कर चुका सी, और उन्होंने दोबारा ऑफिस दे विच बैड वर्क दे लिए बुलाया गया सी पनिशमेंट दे लिए। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हैड टीचर सैड, हैड टीचर ने कहा कि हुण मैं तेनू पनिशमेंट नहीं देनी। टू एल्बर्ट सरप्राइज, एल्बर्ट हैरान हो गया, योर वर्क इज़ टैरिबल, ठीक है, तेरा वर्क है जो बहुत टैरिबल है, एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हेयर एनी लोंगर आइनस्टाइन। ठीक है, कि मैं हुण तेनू स्कूल दे विच होर टाइम नहीं रखना, आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ,
तेनू हुणे स्कूल दे विचों जाना पएगा। लीव स्कूल नाओ, रिपीटेड एल्बर्ट डेज्ड। एल्बर्ट बहुत हैरानी दे नाल कहिंदा कि मैनू स्कूल छड्ड के जाना पैना। दैट्स वट आई सैड। यू मीन, सैड एल्बर्ट, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड। थोड़ा मतलब है कि मैनू इस स्कूल दे विचों निकालिया जा रहा है। यू कैन टेक इट दैट वे इफ यू विश, आइंस्टाइन। द हैड टीचर वॉज नॉट मिंसिंग वर्ड्स। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो टू योर ओन अकॉर्ड एंड दैन द क्वेश्चन वॉन्ट अराइज। सिंपलेस्ट थिंग की सी कि आइंस्टाइन नू कहा गया कि तू अपने आप स्कूल दे विचों चला जा, ठीक है। इस तो इलावा क्वेश्चन वॉन्ट अराइज, कोई क्वेश्चन अराइज नहीं हो सकता। बट सैड एल्बर्ट, वट क्राइम आई हैव आई कमिटेड। बट एल्बर्ट कह रहा है कि मैं क्राइम की किता है। योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच। कहना क्लासरूम दे विच जेड़ी तेरी प्रेजेंस है उहदे नाल इम्पॉसिबल ही नहीं है कि टीचर है जो टीच कर सके। एंड फॉर द अदर प्यूपल्स टू लर्न, होर प्यूपल्स ने जो स्टूडेंट्स ने जो लर्न कर सकन। यू रिफ्यूज टू लर्न, तू लर्न करन तो मना कर देना। यू आर इन कॉन्सोनेंट रेबेलियन, एक क्रांतिकारियों की तरह तू अड़ जाना क्लास के विच। एंड नो सीरीयस वर्क कैन बी डन वायल यू आर देयर। कोई भी वर्क सीरीयस वर्क है नहीं हो सकता जिन्ना टाइम तू इस स्कूल के विच है। एल्बर्ट फेल्ट द मैडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट। एल्बर्ट नू जो दा मैडिकल सर्टिफिकेट है पॉकेट दे विच पिया, बर्निंग अ होल यानी इदां लग रहा जलन फील कर रहा उन्हों। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे ही सैड। और एल्बर्ट ने की कहा कि मैं जा रहा हूँ। दैन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट, आइंस्टाइन, द हैड सैड। फॉर अ मोमेंट एल्बर्ट वॉज टेम्पटेड टू टैल द मैन वट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ ए स्कूल। एल्बर्ट ने यह भी नहीं सोचा कि कोई परसन वो बारे की सोचता या स्कूल वो बारे की सोचता। दैन ही स्टॉप्ड हिमसैल्फ, दैन उन्हें अपने आप को रोकन की कोशिश की। विदाउट अनदर वर्ड, होल्डिंग द हैड हाई, ही स्टॉक्ड आउट। ठीक है, फिर उन्हें की किया, कुछ भी नहीं कहा उन्हें, अपने आप को बहुत रोकया कि वह हाँ किसी उत्ते गुस्सा उतारे, ठीक है, किसी परसन पर या स्कूल पर कुछ बोले, पर उन्हें कुछ नहीं कहा, अपने आप को रोकया तो बिना कोई वर्ड कहे सिर उच्चा उठा के बाहर चला गया। शट द डोर आफ्टर यू, शाउटेड द हैड। हैड ने कहा कि डोर बंद करके जाना। एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, एल्बर्ट ने कोई ध्यान नहीं दिता। ही वॉकड स्ट्रेट ऑन, वो बाहर चला गया आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंड 5 मिजरेबल ईयर्स, जिथे उन्हें 5 साल बहुत दुख वाले बिताए थे। विदाउट टर्निंग हिज हैड टू गिव इट अ लास्ट लुक, बिना अपना हैड घुमाए उतों चला गया। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वन ही वॉन्टेड टू से गुड बाय टू, उन्हें किसी बारे नहीं सोचा कि उन्होंने किसी को गुड बाय कहना चाहिए है। इनडीड यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली परसन इन मिनिच, सच बस एक यूरी ही सी जो उहदा फ्रेंड सीगा। म्यूनिच दे विच ही फेल्ट लाइक सीइंग बिफोर ही लैफ्ट द टाउन, ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल। और उस टाउन नू भी बहुत हेट करता सी, यानी म्यूनिच नू भी बहुत हेट करता सी जिस तरह के वह स्कूल नू हेट करता सी। और उहदा ओनली सिंगल फ्रेंड सीगा उत्थे यूरी। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन, एल्सा सी जो वह भी बर्लिन चली गई सी उहदी कज़न। एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, और उहदा कोई फ्रेंड नहीं सी उत्थे। गुड बाय एंड गुड लक, सैड यूरी वैन ही लैफ्ट। जदों एल्बर्ट आइंस्टाइन जाण लग्या तां यूरी ने उहनू गुड बाय कहा, गुड लक कहा। यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री, तो एक बहुत अच्छी कंट्री जा रहा है। आई थिंक, आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर। मैं उम्मीद करदा कि तू उत्थे बहुत खुश रहेगा।